गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक धन के बहिर्गमन व ड्रेनेज ऑफ वेल्थ को पढ़ने जा रहे हैं। धन के बहिर्गमन के लिए अनेक शब्दों का उपयोग किया गया है, जैसे धन की निकासी व संपत्ति का पलायन इत्यादि। यदि हम धन के बहिर्गमन का अर्थ को देखते हैं तो धन के बहिर्गमन की का शुरुआत यूरोपीय संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि यह यूरोप में वाणिज्यवादी सोच के क्रम में विकसित हुई, जिसका अर्थ है किसी देश में ऐसे प्रतिकूल व्यापारिक संतुलन कायम करना जिससे उस देश का कीमती धातु का निष्कासन होता रहे। क्योंकि हम जानते हैं कि वाणिज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत बुलियनवाद पर बल देता था, जिसमें सभी देश कीमती धातु अर्थात सोने व चांदी के संचय पर अधिक बल देते थे। यदि हम भारत के संदर्भ में धन के बहिर्गमन को देखते हैं तो इसका तात्पर्य है आयात की तुलना में निर्यात को अधिक कर भारत से अतिरिक्त रकम को बाहर भेजना। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को सर्वप्रथम दादा भाई नेहरू जी जैसे राष्ट्रवादी चिंतक ने प्रतिपादित किया। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक में दादा भाई नेहरू जी ने एक लेख इंग्लैंड ट्रेड टू इंडिया में धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उनका कहना था कि ब्रिटेन भारत से अपने शासन की कीमत के रूप में भारत से धन ऐंठ रहा है और यहाँ से अर्जित राजस्व अर्थात भू राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग, लगभग एक चौथाई भाग ब्रिटेन चला जा रहा है तथा वह ब्रिटेन के संसाधनों में शामिल किया जा रहा है। दादा भाई नेहरू जी द्वारा लिखे गए अन्य लेख जैसे प्रॉपर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वंडर एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया द्वारा लगातार भारत से धन की संपदा का निष्कासन को लोगों के समक्ष उजागर किया गया। एक और राष्ट्रवादी चिंतक रमेश चंद्र ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रतिपादित किया कि सकल राजस्व का लगभग आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। उन्होंने कहा कि भारत की धन संपदा निश्चित रूप से विदेशी भूमि को संपन्न व उपजाऊ बना रही है। रमेश चंद्र ने धन के बहिर्गमन के दुष्प्रभावों को नादिर शाह जैसे आक्रमणकारी के आक्रमण से भी अधिक घातक बताया है। उनका मानना था कि विदेशी आक्रमणकारी आए व भारत को लूट कर चले गए, किंतु ब्रिटिश भारत की सत्ता का ही अंग बनकर एक लंबे समय तक भारत के संसाधनों का अनवरत शोषण व निष्कासन करते रहे। यदि हम धन के निकासी का उद्भव को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि आरंभ में कंपनी एक व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आई तथा व्यापार के संचालन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी मात्रा से ब्रिटेन से कीमती धातु लानी होती थी। क्योंकि हमें पता है कि भारत इस समय एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था तथा भारत अपनी वस्तु को देने के लिए केवल कीमती धातु ही लेता था। अतः भारत से वस्तु खरीदने हेतु ब्रिटेन को बहुत बड़ी मात्रा में कीमती धातु जिसके अंतर्गत चांदी के सिक्के
शामिल थे। भारत को देना होता था। इस नीति का ब्रिटिश सरकार द्वारा निरंतर विरोध किया जा रहा था, किंतु पलासी तथा बक्सर के युद्ध के पश्चात यह स्थिति विपरीत हो गई। बक्सर के युद्ध के पश्चात कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई तथा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। अतः कंपनी ने बंगाल से प्राप्त राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग तथा बंगाल की लूट से प्राप्त धन को भारतीय वस्तु की खरीद में निवेश करने लगी। अर्थात कंपनी ने अपने राजस्व खाता को व्यापारिक खाते के साथ जोड़ दिया। यहीं से धन का निकासी आरंभ हो गया। दूसरे शब्द में अब रकम व वस्तु भी भारत की थी तथा उस वस्तु को भारत से बाहर निर्यात किया जाता था तथा यूरोप में बड़े मुनाफे में बेचा जाता था तथा जो मुनाफा प्राप्त होता था वह भारत को प्राप्त ना होकर कंपनी के शेयरधारकों को मिलता था। अब हम धन के निकासी के तत्व को देखते हैं तो हमें धन के निकासी व धन के बहिर्गमन के दो तत्व देखने को मिलते हैं। पहला कंपनी काल के समय के तत्व और दूसरा कंपनी के शासन काल के समाप्ति अर्थात क्राउन के शासन काल के समय के तत्व के रूप में। यदि हम कंपनी के शासन काल के तत्व को स्पष्ट करते हैं तो इसमें कई तत्व हैं जो धन के बहिर्गमन जिनके माध्यम से धन का बहिर्गमन भारत से इंग्लैंड की ओर किया जा रहा था। जैसे इस समय भारतीय धन से ही भारतीय तैयार माल को खरीदा जाता था तथा उसे यूरोपीय बाजारों में बेचा जाता था, किंतु यह व्यवस्था 1813 तक बनी रही। 1813 के पश्चात भारतीय दरवाजा ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं के लिए खोल दिया गया तथा इस चरण में भारत तैयार माल का आयातक व कच्चे माल का निर्यातक बन गया। दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय धन से ही कंपनी के सैन्य अधिकारियों के वेतन, पेंशन, अवकाश भत्ता दिया जाता था। जैसे कि हमें मालूम है कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों का वेतन बहुत ही ज्यादा होता था, अतः वह अपने वेतन का एक बहुत बड़ा भाग बचाकर इंग्लैंड भेज देते थे। यदि हम तीसरे तत्व को देखते हैं तो इसके अंतर्गत हमें यह देखने को मिलता है कि कंपनी ने अपने क्षेत्रीय विजय व क्षेत्रीय विस्तार व लोलुपता के लिए जो युद्ध जैसे अफगान युद्ध व वर्मा युद्ध किए वह उसका जो व्यय किया जाता था अर्थात युद्ध में जो खर्च किया जाता था वह भारतीय धन से ही किया जाता था। यदि हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं तो हमें याद ज्ञात होता है कि 1813 के बाद कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया था तथा कंपनी के शेयरधारकों को 18% वार्षिक लाभांश जो दिया जाता था वह भारतीय धन से ही दिया जाता था। धन के बहिर्गमन का एक तत्व यह भी था कि कंपनी के शासन समाप्ति के समय कंपनी का जो ऋण था जो लगभग 6,90,00,000 पाउंड था उसका भुगतान भी भारतीय धन से ही किया गया। चूंकि यह ऋण इंग्लैंड से ली थी अतः इसके ब्याज व इसके मूलधन का जो भुगतान किया जा रहा था वह भारत से प्राप्त राजस्व से ही किया जाता था। अब हम क्राउन के काल में यदि हम धन के निकासी के तत्व को देखते हैं तो इसमें निम्नलिखित तत्व
हमें देखने के लिए मिलता है। पहला, 1857 के विद्रोह को दबाने में व्यय जो किया गया था उसे भारतीय कर्ज में जोड़ा गया तथा इस कर्ज का भुगतान भारतीय धन से किया गया। दूसरा, इस समय भारत से ब्रिटेन की ओर गृह व्यय के रूप में एक बड़ी राशि हस्तांतरित होने लगी थी। यह हस्तांतरण भारत सचिव के ऑफिस के माध्यम से होता था। गृह व्यय में कई मदें शामिल थे, जैसे लंदन में इंडियन ऑफिस की व्यवस्थागत खर्च, दूसरा रेलवे व इंग्लैंड रेलवे के निर्माण पर खर्च, तीसरा इंग्लैंड से भारत तक टेलीग्राफी बिछाने के व्यय का खर्च, चौथा इंग्लैंड में ब्रिटिश भारत द्वारा ली गई ऋण के ब्याज की अदायगी पर खर्च, पांचवा भारत से सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के पेंशन व भत्ता, छठा ब्रिटेन में भारत के लिए की गई सैन्य खरीदारी व सैन्य परीक्षण का खर्च। गृह व्यय के अतिरिक्त कुछ और भी मदें थी जिनके द्वारा धन का निकासन ब्रिटेन की ओर हो रहा था, जैसे निजी ब्रिटिश व्यापारियों का मुनाफा जो भारत से ब्रिटेन भेजा जा रहा था, वहीं भारत में कार्यरत ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन का वह भाग जो भारत में बचाकर वह ब्रिटेन भेज रहे थे। हमें यह देखने को मिलता है कि 1870 के दशक के पश्चात जब पाउंड की तुलना में रुपया का अवमूल्यन हुआ, मतलब रुपया पाउंड की तुलना में गिर गया, तो यह धन की निकासी पहले की तुलना में अधिक बढ़ गई। धन की निकासी के संदर्भ में हमें साम्राज्यवादी व राष्ट्रवादी इतिहासकार के मध्य कुछ विवाद देखने के लिए मिलता है। साम्राज्यवादी इतिहासकार, जिसमें ब्रिटिश पक्षधर विद्वान मॉरिसन हैं, उनका मानना है कि धन की निकासी की अवधारणा जो राष्ट्रवादी चिंतकों द्वारा प्रयुक्त की गई है वह काफी बढ़ा चढ़ा करके की है। उनका उनका विचार है, अर्थात ब्रिटिश पक्षधर मॉरिसन का विचार है कि गृह व्यय की राशि अधिक नहीं थी तथा यह विकास के लिए इस राशि का खर्च करना आवश्यक था। उनका यह भी मानना है कि ब्रिटेन द्वारा जो भारत को ऋण दिया जाता था वह स्वतंत्र भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन थी। वहीं उनका मानना है कि ब्रिटेन में जो ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनके माध्यम से भारत में एक सक्षम प्रशासन की स्थापना की गई थी तथा उनका यह भी मानना है कि ब्रिटिश पूंजी के माध्यम से भारत में रेलवे व बागान उद्योग तथा आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ये व प्रणाली का विकास किया गया व उसमें निवेश किया गया, जिससे भारत का आधुनिकीकरण हुआ। यदि हम साम्राज्यवादी विद्वानों के तर्क का सूक्ष्मता से परीक्षण करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि यह सही है कि राष्ट्रवादी चिंतकों ने कुछ हद तक तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया, जैसे कि उन्होंने गृह व्यय की संपूर्ण राशि को धन के निकासी के रूप में दिखाया। किंतु जहां तक राष्ट्रवादी चिंतकों का बात है तो उन्होंने इसके माध्यम से, अर्थात धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के माध्यम से, औपनिवेशिक शोषण के चरित्र को भारतीय जनता के सम्मुख उजागर किया तथा उनका यह कहना था कि ब्रिटिश पूंजी से जो रेलवे व बागान उद्योग व आधुनिक शिक्षा का विकास किया गया व निवेश किया गया वह औपनिवेशिक हितों में ही ध्यान में रखकर किया गया। जैसे यदि हम रेलवे के विकास को देखते हैं तो रेलवे का विकास का मुख्य उद्देश्य था भारत के दूरस्थ क्षेत्रों से संसाधनों का दोहन करना। दूसरा, भारत में जो रेलवे का विकास किया गया उसमें रेलवे का सामान, अर्थात रेलवे का इंजन व डिब्बा इंग्लैंड से खरीदा गया, ना कि भारत में किसी प्रकार के इस्पात उद्योग की स्थापना कर उस सामान का निर्माण किया गया। अतः राष्ट्रवादी चिंतक
जिनमें दादा भाई नेहरू जी, आरसी दत्त, गोपाल कृष्ण रानाडे ने जो धन की निकासी की अवधारणा प्रस्तुत की, वह औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के चरित्र को उजागर की। यदि हम धन के बहिर्गमन के प्रभाव को देखते हैं तो इसके अंतर्गत दादा भाई नेहरू जी का कहना है कि धन का बहिर्गमन अनिष्टों का अनिष्ट है और भारत में निर्धनता का मुख्य कारण भी है। धन के बहिर्गमन के प्रभाव को यदि हम देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि धन के बहिर्गमन के फलस्वरूप भारत में पूंजी का एकत्रीकरण या संचय नहीं हो सका, जिसके फलस्वरूप भारत में वह अतिरिक्त पूंजी जो ब्रिटेन चल जाती थी उसका निवेश भारत में न होकर के ब्रिटेन में किया गया। यही कारण है कि भारत में औद्योगिक पूंजीवादी रूपांतरण नहीं हो पाया, वहीं ब्रिटेन ने भारतीय संसाधन के बल पर अपने यहाँ औद्योगिक क्रांति लाई। यदि हम प्रभाव के अंतर्गत एक दूसरा तथ्य यह भी उभर करके आता है कि गृह व्यय की राशि को पूरा करने के लिए, चूंकि जो धन का बहिर्गमन होता था वह मुख्यतः भू राजस्व की राशि से ही की जाती थी, अतः गृह व्यय की राशि को पूरा करने के लिए किसानों पर अत्यधिक कर लगाया गया, जिसके कारण किसानों की क्रय शक्ति कम हो गई व ग्रामीण क्षेत्र में ऋणग्रस्तता को बढ़ावा मिला। प्रभावों के अंतर्गत हम यह भी देखने को मिलता है कि जब कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई तो उसके पश्चात बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय वस्तु को खरीदना प्रारंभ किया गया, जिस कारण हमें यह देखने को मिलता है कि 1770 के दशक के पश्चात भारत में चांदी की मुद्रा में कमी आने लगी, क्योंकि अब ब्रिटेन से मुद्रा का कीमती धातु का भारत में आना बंद हो गया। प्रभाव के अंतर्गत हमें यह भी देखने को मिलता है कि 1813 के पश्चात भारत में तैयार माल का आयातक व कच्चे माल का निर्यातक बन गया था, अतः इस काल में धन का बहिर्गमन को बढ़ावा देने के लिए कुटीर उद्योग तथा हस्तशिल्प उद्योग को हानि पहुंचाई गई, जिससे भारत में औद्योगिक बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई तथा कृषि क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का भार काफी बढ़ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि धन के बहिर्गमन के माध्यम से राष्ट्रवादी चिंतकों ने औपनिवेशिक शोषण को उजागर किया व राष्ट्रीय राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु लोग जन जागरूक हुए तथा जनमानस के मध्य यह बात पहुंच गई कि स्वतंत्रता प्राप्त किए बिना धन की निकासी को बंद नहीं किया जा सकता है।